नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हाल ही में हुए ब्यूटी पेजेंट मिसेज इंडिया की विनर डॉक्टर अनुपमा सोनी जी। अनुपमा जी, आपका जेंटल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अनुपमा जी, मुझे बड़ी खुशी भी है आपके साथ बैठने की। और दर्शकों को भी इस बात का मालूम होगा कि कुछ ही महीने पहले हमने आपको शुभकामना विश की थी कि आप एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और मिसेस इंडिया आप बनके लौटी हैं। और एक बार फिर शुभकामना देंगे कि नवंबर में फिर वन इंटरनेशनल ताज भी आपके सिर पे हो। कैसा महसूस किया आपने ये ब्यूटी पेजेंट जीत किया? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब मुझे वापस आने के बाद में जो प्यार मिला लोगों का, जो राजस्थान के लोगों का प्यार मिला कि राजस्थान से पहली बार इतना बड़ा ब्यूटी पेजेंट मिसेज इंडिया जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जिसको जो सिर्फ मिसेज इंडिया कहलाता है, जिसके कोई आगे पीछे और नाम नहीं है, तो दिस इज द मेन टाइटल मिसेज इंडिया का। तो जब मैंने वो जीता तो मुझे लोगों ने बधाई दी, और स्पेशली कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने मुझे यहाँ से प्रमोट भी किया था। उन्होंने मुझे जब ये बोला कि यू आर द फर्स्ट वुमेन इन राजस्थान जिसको ये ऑथेंटिक मिसेज इंडिया का क्राउन मिला है, तो खुशी जो है बयान करना मुश्किल है कि अपने प्रदेश से आप गए हो और आपने जीता है प्रदेश के लिए, तो सभी जब गर्व करते हैं ना। तो कितने पार्टिसिपेंट्स थे इसमें? 72 पार्टिसिपेंट्स थे पूरे इंडिया से। जी, ऑल ओवर इंडिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, यूएसए से थे, कनाडा से भी थे। जो इंडिया में एनआरआई जो है, जो एनआरआई है, यस, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन से। अब नेक्स्ट क्या प्लेटफॉर्म होगा आपका? नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे मैं मिसेज एशिया इंटरनेशनल में जा रही हूँ, जहाँ मैं अपने देश को का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो नवंबर फर्स्ट वीक में दिवाली के टाइम पे वहां पर है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार भी चला के। बहुत सही बात की आपने। मिसेज इंडिया के लिए आप बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स से, हर प्रतिभागी ने अपना कैलिबर शो भी किया होगा, क्या खास रहा जिसकी वजह से आपको ये टाइटल मिला? देखिए, मैं ये बोलूंगी कि हर महिला खास होती है, हर महिला के अंदर, स्पेशली जब वो मिसेज बन जाती है, मिसेज का मतलब जिनके बच्चे भी होते हैं, तो एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनके साथ जुड़ा होता है। वो एक्सपीरियंस सिर्फ एक एजुकेशन का या एक मतलब अपने टैलेंट का नहीं होता, वो एक एक्सपीरियंस होता है एक माँ बनने का, पत्नी बनने का, अपने सामाजिक जिनके सरोकार होते हैं, तो एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस लेके सब लेडीज आती हैं। तो सब अपने आप में स्पेशल होती हैं, सबके परिवार उन पर गर्व करते हैं। तो हर लेडी अच्छी थी, हर लेडी के पास टैलेंट था, बहुत टैलेंट था लेडीज के पास में, पर होता है कि विनर तो हमेशा एक ही बनते हैं उनमें से, तो कुछ ऊपर नीचे चीजें रहती है। मेरा जो खास एक टैलेंट रहता है, जिसमें मैं अपने प्रदेश का जो चरी डांस है, कालबेलिया डांस है, उसका फ्यूजन मैं हमेशा अपना, मैंने राजस्थान लेवल पे भी किया था, तो उसको और अच्छा मैंने रिफाइन करके बहुत अच्छे से उसको वहां पे मैंने प्रेजेंट किया। उसके अलावा राउंड्स बहुत सारे होते हैं, राजस्थान लेवल से जब हम नेशनल लेवल पे चले गए तो 3 दिन की बजाय वो 5 दिन का इवेंट हो गया था। और आप मानेंगे नहीं कि हम सुबह 5 बजे भी उठते थे, 1 बजे रात को सोते थे, तो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो इन सब को क्रॉस करके जो फाइनल तक पहुंचता है ना, तो वही है विनर। वो टाइम एक चीयर करने का भी होता है, थकाऊ भी होता है काफी। वो थकाऊ जरूर होता है, पर उसमें मजा बहुत आता है। मजा होता है कि आप अकेले जाते हो, फैमिलीज वहां अलाउड नहीं होती है, तो एक वो वाला टाइम आ जाता है कॉलेज डेज का, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं अपनी पूरी जील के साथ में, एंजॉय करते हैं चीजों को। सारे लोग होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बनना चाहो, सॉरी, हर महिला बनना चाहती है, चाहती है। तो आप लोगों में उस वक्त कुछ इस तरह की भावनाएं रहती हैं कि चलिए, जैसे कहते हैं ना कि दौड़ने के लिए कई बार हम टंगड़ी भी लगा देते हैं, ऐसा तो नहीं होता? देखिए, ये थोड़ा फर्क आता है मिसेज के अंदर। टंगड़ी तो नहीं लगाते हैं, लेकिन मिसेज में तो देखो सब जगह सभी तरीके के लोग तो अपने को मिलते हैं, पर अधिकतर जो महिलाएं होती है ना, बहुत ही समझदार रहती हैं, वो बहुत परिपक्व महिलाएं रहती हैं, सबने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं, तो इस वजह से मेरे को लगता है सपोर्टिंग ज्यादा रही है लेडीज, एक दूसरे को हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है, सपोर्टिंग रहती है। मतलब मुझे ध्यान है कि जब कुछ लेडीज मुझे सेशंस में बोला करती थी कि यू आर वेरी स्ट्रांग कंटेस्टेंट और हमें लगता है कि तुम जीत जाओगी इसको, है ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि हम सारे लोग यहाँ एक बड़े कंपटीशन में आए हुए हैं और फिर भी लेडीज मतलब एक दूसरे को प्रमोट कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, और बहुत हेल्दी कंपटीशन है, तो उत्साह दुगुना हो जाता है उस चीज का, मजा आ जाता है उसमें। क्योंकि जनरली ये होता है कि
एक क्योंकि कंपटीटर तो एक दूसरे के सामने होती है, हाँ, तो एक जेलिसी जैसे कई बार सामने आती है, वो सब नहीं होता है। वो इतना नहीं मैंने देखा, मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक दिल की भावना बता रही हूँ जो मैंने वहाँ महसूस की है। बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन था वहाँ पे कि जिन लोगों ने नहीं जीता उनका भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो बहुत इस चीज से दुखी है, क्योंकि जीत और हार नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं कि हम एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से, हम नई कोई एक्सपीरियंस को गेन करके जा रहे हैं। सो बड़ा मजेदार माहौल था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। अपने राजस्थान का चरी डांस है, दूसरे आप बता रहे हैं कालबेलिया डांस, हाँ, ये चुना आपने उसमें, हाँ जी, इसमें ऑप्शंस देते हैं आप, कोई भी ले सकते हैं अपनी चॉइस से, या फिर उनकी ओर से कहा जाता है कि आपको इस पे अपने जो डांस करना है या कुछ बोलना है? देखिए टैलेंट राउंड होता है, टैलेंट राउंड के बारे में प्रतिभागियों को पहले से सूचना कर दी जाती है कि भाई एक टैलेंट राउंड होगा और इतने मिनट्स का होगा, उसमें आप जो मर्जी अपना प्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें भी आप बेस्ट हो, चाहे वो आपकी पेंटिंग्स हो, चाहे आपका डांस हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, तो हर किसी ने अपना अपना जो बेस्ट था वो टैलेंट किया। इसके अलावा एक नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है, तो नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इस कॉम्पिटिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और वहाँ मैंने अपने हेरिटेज को शोकेस किया था। मैंने जो ड्रेस पहनी थी वो अपना लहंगा ओढ़नी ही था, पर उसमें मैंने अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं राजस्थान के, जैसे कोटा डोरिया है, लहरिया है, लाख है, जड़ाऊ की ज्वेलरी है, देन मेरी जो लहंगा था उसके ऊपर अपना हवा महल और आमेर, अल्बर्ट हॉल, ये 3D प्रिंटिंग थी। तो जहाँ वहाँ पे जिसने भी वो देखा ना कि किस तरीके से उसको उकेरा गया है, तो एकदम अलग हटके वो चीज थी। डॉक्टर अनुपमा, जो मैं सुन रहा हूँ वो एक सहज नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है सब करना। देखिए टैलेंट के साथ साथ आपका क्रिएटिविटी भी इसमें काफी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो आपका वहाँ शो करता है कि आप ये करना चाहती है। चलिए डॉक्टर अनुपमा हमारे साथ बनी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद में जारी रखेंगे हम एक मुलाकात को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मिसेज इंडिया, जिन्होंने हाल ही में ये खिताब जीता है, डॉक्टर अनुपमा सोनी। डॉक्टर अनुपमा, आपने बताया कि ये सारी चीजें, इतने मेन्यूमेंट्स जो हैं उनको आपने अपने ड्रेस पे किया, कि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारी चीजों को सोचना, क्योंकि वो जो जनरली हम देखते हैं लाइव टेलीकास्ट, किसी भी ब्यूटी प्रेजेंट का आता है, पूछा जाता है कि आपका ड्राइंग प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, आप किस पे काम करना चाहेंगी, सोशल एक्टिविटीज क्या कर सकती हैं, तो ये भी एक तरह से वही है। हाँ, कि मैं एक छोटी सी चीज आपको शेयर करती हूँ उस बारे में, आपने जब इस बात को पूछा है, तो मैं नेशनल कॉस्ट्यूम को लेकर थोड़ी चिंतित थी कॉम्पिटिशन के पहले कि भाई कैसे होगा, क्या पहनूंगी, क्या अलग से कैसे होगा, क्या करना है। तो ऐसे ही मैं एक दिन एक आइसक्रीम पार्लर में बैठी हुई थी अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, तो आइसक्रीम पार्लर में बैठे हुए मैं ऐसी चिंता में दीवारों पे देख रही थी। लकीली क्या हुआ कि उस जो आइसक्रीम कैफे की दीवारें थी उस पे पेंटिंग्स बनी हुई थी हाथ से, और वो ट्रेडिशनल टाइप की पेंटिंग्स थी। पता नहीं मुझे उसको देख के ऐसा क्लिक किया दिमाग में कि ओह आइडिया मिल गया, और उस आइडिया के ऊपर जब मैंने काम किया तो वो ड्रेस जो बन के आया ना, तो उसके बारे में मैंने सबसे, मेरा एक बहुत ही जो मिसेज इंडिया का पार्ट है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस ड्रेस का भी है जो हमने बनवाई थी। और फिर मैंने सर पे चरी रख के जो वॉक किया था, मेरी जो चरी है डांस की उसको मैंने अपने सर पे रखा था, तो मैंने अपना फोक डांस भी उसमें शोकेस किया था। तो इट वॉज ए कम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ राजस्थान, हर जगह का उसमें कुछ ना कुछ था जो इम्पोर्टेंट पार्ट था। अदर पार्टिसिपेंट्स थे उनके ड्रेस कुछ इस तरह का शो कर रहे थे कि अपने कंट्री, अपने स्टेट, खैर जो कंट्री, हाँ, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एनआरआई भी थे, तो भी उनका कुछ ऐसा था कि वो भी कुछ अपनी कुछ ऐसा क्रिएटिविटी उनमें दिख रही हो कि हाँ अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। स्टेट को जैसे कई लोगों ने ओडिसी डांस की ड्रेसेस पहनी थी, कई ने दुर्गा माँ का चित्रण किया था, कई लोगों ने ये सेव एनवायरमेंट का चित्रण किया था, तो किसी ने बेटी बचाओ का किया, किसी ने हरियाणवी ड्रेस पहनी थी, किसी ने कश्मीरी ड्रेस पहनी थी, तो सब थे जिन्होंने क्रिएटिविटी, हर किसी ने अपनी क्रिएटिविटी बेस्ट तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट करी। तो नवंबर में जाने से पहले आइसक्रीम खाएंगे आप? अभी अभी भी वही चिंता का विषय कि अब इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल कॉस्ट्यूम क्या होना चाहिए,
तो उसी पे थोड़ा सा मेरा अभी मैं वर्क कर रही हूँ कि क्या पहनना है उसमें। बिल्कुल, वैसे तो वासुदेव कुटुंबकम हमारे यहाँ पे है और हिंदुस्तान में विविधता की एकता की बात कही जाती है, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उनका आप मिश्रण करके बिल्कुल कर सकते हैं एलिमेंट्स लेकर, खैर वो सब चल रहा है आपने। चलिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या किसी भी महिला के लिए सहज है ये कि जो आप इतनी एक्सरसाइज करके लौटी हैं, और क्योंकि जो चीजें लग रही है इतना नहीं है कि कोई परिवार की महिला जो, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी होती है, आप एक पेशेवर डॉक्टर भी हैं, अपनी क्लिनिक भी आप रन करती हैं, उसके अलावा एक माँ भी हैं, एक वाइफ भी हैं, ये सारी जो जिम्मेदारियां होती है उन सब में क्या एक महिला के लिए सहज हो सकता है? इसी चीज का नाम तो महिला होना है। महिला के अंदर यही तो खूबी है कि महिला मल्टीटास्किंग होती है और मुझे लगता है हर महिला कर सकती है ये। एक पेजेंट तो सिर्फ चलिए कि मैंने, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला, मैं चली गई, लेकिन महिला को अगर आप घर पे भी देखेंगे, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी दादी हो या नानी हो, सारी महिलाएं कितनी सारी भूमिकाओं में नजर आती हैं, और कभी वो बहुत ज्यादा लाड़ करती नजर आती है अपने बच्चों को, और कभी वो अपनी बहू के साथ में किसी अलग रूप में नजर आती है। तो ये सब महिलाओं के विविध विविध रूप हैं जो हम देखते हैं। महिला के अंदर जो दुर्गा का चित्रण है वो एकदम सही है एक महिला के लिए, कि उसके बहुत सारे आर्म्स होते हैं दुर्गा के, कई सारे हाथ हमने देखे हैं, कई सारी बाजुएं होती हैं जिनमें अलग 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 जो अपने शस्त्र ले लेती हैं। वो ये दिखाती है कि एक महिला मल्टीटास्किंग होती है और उसका दिमाग हर जगह काम करता है, हर जगह वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन एक चैलेंज जो इसमें, वो क्या मानती हैं आप महिला होने के लिए चैलेंज, महिला के साथ में जैसे यहाँ तक पहुँचना है? हाँ, लेकिन एक चैलेंज वही है कि हमें टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आप माँ हैं, आप पत्नी हैं, आप घर भी देखती हैं, आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, क्लिनिक भी, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन जब हमारे अंदर एक पैशन होता है, एक जज्बा होता है एक चीज को पाने का, तो मुझे लगता है कि चीजें अपने आप सही जगह पे होने लग जाती है और हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है बहुत आसानी से, और हम सभी चीजों को इक्वली टाइम दे पाते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम क्वांटिटी से ज्यादा अगर क्वालिटी टाइम देने में बिलीव करेंगे, चाहे वो बच्चे को हो या परिवार को हो, तो वो सही मायने में फ्रूटफुल रहता है। उसका जो क्वालिटी मिलती है ना, बच्चों के साथ भी, घर के साथ में भी, पेशेंट के साथ में भी, तो आप उस चीज को एंजॉय भी कर पाते हो लाइफ में। देखिए, लड़की से एक महिला जब बनती है, आप एक घर से दूसरे घर में जाती हैं, वहाँ अपने अकॉर्डिंग सबको आप ढाल पाते हैं, नहीं ढाल पाते हैं, फैमिली कैसी होती है, पारिवारिक सपोर्ट कितना जरूरी है इसके लिए? पारिवारिक सपोर्ट तो एक बोलते हैं बैकबोन है हर चीज की। परिवार के बिना आदमी अधूरा है। इस ये हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो एक परिवार की तरह ही है, परिवार को लेके चलने वाला है, तो पारिवारिक सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, मुझे भी मिला। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पहले सपोर्ट मिलता है फिर आप किसी चीज पे आगे जाते हो, पहले आपको आगे जाना पड़ता है, उसके बाद सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट आपको लेना होता है जी, प्यार से वो मिलता है आपको। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप एक कदम, लेकिन आपको पहले एक कदम बढ़ाना है, उसके बाद सब आपको सपोर्ट करेगा। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि 72 जो पार्टिसिपेंट्स जो वहाँ थी जी, बिल्कुल सब वो पारिवारिक सपोर्ट के कारण वहाँ तक पहुँच पाई हैं, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। अगर क्योंकि कहेंगे क्या आवश्यकता है, बस ठीक है मैरिज हो गई, बच्चे पाले, मस्त रहिए, बस हो गया खूबसूरती। आजकल हमारा समाज बदल रहा है, आजकल पुरुषों की सोच भी बदल रही है, इन लॉज की सोच भी बदल रही है, सब लोग इस चीज के लिए अब आगे आ रहे हैं कि मिसेज इंडिया बनना या कोई इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ मॉडलिंग नहीं होता है। अब वो मॉडलिंग से बहुत दूर हो चुका है, ये तो एक तरीके से अपने टैलेंट को शोकेस करने का, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का एक मंच है जी। डॉक्टर अनुपमा, मैं ये देखता हूँ कि आए दिन जैसे पेपर्स में होते हैं कि ये मिसेज इंडिया टाइटल दिस, ये अमुक महिला को मिला, ये सब क्या फिर, जैसे कि अभी हम जो ये सुनते थे कि मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ड जो ब्यूटी प्रेजेंट में देखे थे, या फिर अभी अदिति गोवित्रीकर जी जो रही हैं कि मिसेज वर्ल्ड का उन्होंने खिताब जीता, अभी ब्यूटी प्रेजेंट से काफी सारे हैं कि पर्टिकुलर कोई ये है कि हाँ ये बिल्कुल है? देखिए, ब्यूटी प्रेजेंट तो पहले अधिकतर से मिस के लिए हुआ करते थे, कि यंग गर्ल्स हैं, 16, 17, 18, 20 साल की लड़कियां, उनके लिए मंच होता था। पर कहीं किसी ने ये सोच बाद में देखी कि मिसेज बनने के बाद में ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है कि हम मिसेज क्यों नहीं है किसी के लिए? तो ये मिसेज जो है वो स्टार्ट हुआ यूएसए में,
उसके बाद में ये इस तरीके से फैलता गया, फिर हमारे इंडिया में भी आया। अब जिन लोगों ने ये इनिशियली स्टार्ट किया मिसेज इंडिया, उनके पास मिसेज इंडिया टाइटल आ गया और वो उसको काफी टाइम से कर रहे हैं। जैसे जो पेजेंट्स एंड प्रोटेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई है, उन्होंने सबसे पहले मिसेज इंडिया स्टार्ट किया, तो उनके पास टाइटल है मिसेज इंडिया का। लेकिन उसके बाद कई सारे लोगों ने देखा कि मिसेज इंडिया जो है एक, मतलब जिसमें एक कंट्रोल लोग ही जा सकते हैं कि भाई 70 चले गए ऐसे चले गए, और बाकी लोगों का क्या, हमारी 125 अरब तो हमारी पॉपुलेशन है, तो महिलाएं तो बहुत सारी हैं। तो जब महिलाओं का इतना रुझान दिखा तो सब जगह फिर लोगों ने इनको स्टार्ट किया। पर क्योंकि चूंकि नाम एक जैसा आप रख नहीं सकते हो ना उसका, तो हर लेवल पे अलग अलग हो गया। लेकिन एक ऑथेंटिसिटी जो होती है ना, वो हमेशा हमें चेक करनी चाहिए किसी भी पेजेंट में जाने से पहले, कि हम जो ऑथेंटिक है वो हमें आगे क्या उससे ब्रेक मिल रहा है, हम इंटरनेशनल पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले स्टेट पे पार्टिसिपेट किया, स्टेट के बाद मुझे सीधा नेशनल में डायरेक्ट उसमें एंट्री मिली नेशनल लेवल पे। नेशनल में मेरे जीता तो सीधे मुझे इंटरनेशनल पे एंट्री मिल गई। राजस्थान से और भी कोई था? राजस्थान से जो मिसेज इंडिया राजस्थान क्लासिक के विनर थी वो भी मेरे साथ में थी, जिन्होंने जो 40 प्लस कैटेगरी में जो जीती थी यहाँ से। ये दो कैटेगरीज में होता है, एक 40 माइनस एक 40 सेम उसके लिए दो, दो जैसे अकेली गई हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता? नहीं नहीं, हाँ। ऐसा तो नहीं कि ओपन प्लेटफॉर्म में कि आप? नहीं नहीं, डायरेक्ट एंट्रीज भी इसमें कई रहती हैं, जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज मानी जाती हैं, जिसमें कई लोग जो स्टेट मिस कर जाते हैं तो उनके ऑडिशंस वो लोग अलग से लेते हैं। पर हम लोगों का जो स्टेट विनर्स होते हैं, हाँ, उनका फिर ऑडिशंस और ये सब चीजें, अगर उसमें पास आउट होती हैं तो हाँ, फिर तो फिर वो आगे जाती है। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप पे ओपन प्लेटफॉर्म में फिर कोई ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑडिशन सबके ही होते हैं। चलिए, नेक्स्ट नवंबर के लिए अभी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी नेशनल पे तो ये है कि मुझे पता है कि देश के कोने कोने से जो लेडीज आएंगी, तो हमें उनका सब कुछ पता होता है कि भाई किस रंग रूप की हैं, किस टैलेंट को प्रेजेंट करेंगे। इंटरनेशनल पे तो डिफरेंट कंट्रीज की लेडीज हैं, तो ये बड़ा ही मुश्किल और बहुत ही टफ कंपटीशन रहने वाला है मेरे लिए इस बार, कि उन लोगों के टैलेंट क्या रहेंगे, उनकी ड्रेसिंग क्या रहेगी, उनकी हाइट में डिफरेंस रहता है, लुक्स में डिफरेंस रहता है, फिजिक में डिफरेंस रहता है। सो देखिए, होप फॉर द बेस्ट, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इंटरनेशनल ऑल्सो, कि मैं अपने देश को, अपने स्टेट को, आप लोगों को, सबको प्राउड फील करा पाऊं दोबारा से, इसी कोशिश के साथ मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं। नहीं, हम तो गणेश चतुर्थी के तुरंत बाद मिल रहे हैं तो कहेंगे कि बिल्कुल नवंबर में जब आप जीत के आए, क्योंकि मैंने तो उस वक्त भी कहा था आपसे कि आपने मिसेज राजस्थान का आपने खिताब जीता है, शुभकामनाएं देंगे आपको कि आप मिसेज इंडिया का जो ताज है वो लेके लौटे और बिल्कुल हम स्टूडियो में बैठे, आपने हमारी मुराद भी पूरी की है और दर्शकों को भी यही चाहिए था कि हाँ बिल्कुल जीत के आना चाहिए। देखिए, ये सब चीजें केवल एक ब्यूटी मायने नहीं रखती है, आपका एक टैलेंट, आप किस परिस्थितियों में यहां तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, फैमिली को कैसे आप अपना वक्त भी दे पाते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं है कि बिना परिवार का कोई भी होता है वहां जाकर के बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें मैनेज करना एक बड़ी बात होती है। कुछ टास्क ऐसे भी देते हैं आप लोगों को कि आप अगर मिसेज इंडिया बनते हैं तो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्या होगा, आपके लिए क्या दिया? टास्क उनके तरफ से ओपन रहते हैं, ये हम लोगों को जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तभी हमें बता दिया जाता है। और हम लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें अपने जो टास्क है उनको पहले भेजने भी रहते हैं, उसके आधार पे वो हमें मार्क्स भी देते हैं कि ड्यूटी विद पर्पस, कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मिसेज इंडिया। तो मैं जैसे बीइंग अ डेंटिस्ट, भगवान ने मुझे डॉक्टर बनाया तो मेरा तो प्रोफेशन के साथ में आई कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, वो वाला कंटेंट साथ में डाला हुआ है। तो भगवान ने एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशन से मुझे ब्लेस किया है, तो मैं अपने ही इस प्रोफेशन में जो फ्री चेकअप लगाती हूँ, जो जो भी नीडी लोग होते हैं उनके लिए मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है करती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे को एक एडवांटेज है इस प्रोफेशन में होने का, तो ये सभी के लिए रहता है। पर हाँ, मैं मिसेज इंडिया बनने के बाद में काफी सोशल कॉजेज से मैं जुड़ गई हूँ अब राजस्थान में। जी, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पोएट्री लाइन है या फिर स्लम एरियाज में जो लगते हैं उनके लिए कुछ करने के ऐसे कुछ टास्क होते हैं आप लोगों के लिए? देखिए, मैं इसमें टास्क जो होते हैं वो डेफिनेट नहीं होते हैं। टास्क होता है कि आप सोशल कॉज के लिए क्या कर रहे हैं, सोशल कॉज के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो आप हर जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, आप हर जगह जाके काम नहीं कर सकते, तो आपको कुछ डिसाइड करना रहता है। हर इंसान की एक लिमिटेशंस रहती है, तो कुछ एक लिमिटेशंस के अंतर्गत मुझे भी एक, जैसे मैंने चूज कर लिया कि भाई मुझे बच्चों के लिए ये चीजें करनी,
तो मैं बच्चों के लिए करती हूँ। जब मुझे जो जो भी चीजें मिलती हैं, जैसे किसी की शादी करवानी है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया है, या फ्री डेंटल कैंप्स लगाने हैं, बच्चों को टूथब्रशिंग के बारे में बताना है, बच्चों को खाने पीने की आदतों के बारे में, तो उनके लिए सेमिनार्स लिया, एजुकेशन कैंप्स लगाए, फ्री डेंटल किट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं, मैं खुद कई सारी चीज़ों में खुद वहाँ प्रेजेंट रहकर कराती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे टास्क रहते हैं, जैसे मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसे संस्थाओं से जुड़ूँ जिनसे कि समाज में एक संदेश जाए कि ब्यूटी क्वीन होना सिर्फ एक सर पे ताज रह के और फैशन शोज में जाना या मॉडलिंग करना नहीं होता, सेलिब्रिटी बनना ही नहीं है। हाँ, इसका एक यू आर ए रोल मॉडल नाउ इन द सोसाइटी। तो चले डॉक्टर अनुपमा, हम उम्मीद है और आपके भरोसे पे कि आप जरूर नेक्स्ट जो ब्यूटी पेजेंट इंटरनेशनल होगा वो जरूर जीत के आएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, जनटीवी परिवार, दर्शक सबकी ओर से आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप जरूर जीत करके लौटें। और हौसले बुलंद होते हैं तो उड़ान भी काफी ऊंची होती है। परिंदों के लिए पंख तभी खुल पाते हैं कि जब उनके हौसले भी बुलंद हो। तो निश्चित रूप से आप ये टाइटल जीत के आएंगे और शुभकामनाएं। आप अपने ड्रेस का बिल्कुल फिर एक बार आइसक्रीम खा के जरूर आप उसको तैयार करवाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और एक मुलाकात में बस इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।